साथियों, बीते 5 वर्षों से भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो ये नई ऊर्जा दिख रही है, इसके पीछे हमारे अतीत के अनुभव हैं, वर्तमान की आवश्यकताएं हैं और भविष्य की चुनौतियां भी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भारत सैकड़ों वर्षों तक दुनिया की प्रमुख शक्तियों में रहा, लेकिन आजादी के बाद हमने अपनी इस ताकत का उपयोग उस गंभीरता से नहीं किया जितना हम कर सकते थे। हमारी नीति और रणनीति इंपोर्ट पर फोकस होकर रह गई। परिणाम यह हुआ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बन गया। दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी, दुनिया की दूसरी बड़ी सेना और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कब तक सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट के भरोसे रह सकता था? यही नहीं, डिफेंस इंपोर्ट से भारत का इंपोर्ट बिल भी निरंतर बढ़ता जा रहा था। अगर इंपोर्ट की नीति पर ही हम काम करते रहते तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रीम भी देश कैसे देख पाता। भारत के युवाओं के लिए डिफेंस सेक्टर में लाखों नए रोजगार के निर्माण का सपना कैसे पूरा हो सकता? साथियों, इसी स्थिति को बदलने के लिए 2014 के बाद एक के बाद एक पॉलिसी रिफॉर्म किए गए। बीते 5 वर्ष में भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर अभूतपूर्व सुधार हुआ है, जिसका लाभ निश्चित तौर पर डिफेंस सेक्टर को भी मिल रहा है। आज भारत का मंत्र है मेक इन इंडिया, फॉर द वर्ल्ड।